इंग्लैंड के खिलाफ एक सफलतापूर्वक सीरीज खत्म करने के बाद भारतीय टीम अब वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है, जहां लिमिटेड ओवर की सीरीज खेली जाएगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मुकाबला 22 जुलाई को होगा। भारत शुरुआत में 3 मैचों की वनडे सीरीज के साथ वेस्टइंडीज दौरे का आगाज करेगा। भारतीय टीम चाहेगी कि जीत के साथ सीरीज का आगाज किया जाए। वहीं वेस्टइंडीज की बात करें तो वेस्टइंडीज ने हाल ही में बांग्लादेश से उसी के घर में क्लीन स्वीप से हार झेली है, और ऐसे में वेस्टइंडीज की टीम चाहेगी कि भारत के खिलाफ जीत करके आगे बढ़ा जाए। बहरहाल बात करें अगर भारतीय टीम की, तो कई सीनियर खिलाड़ियों को वनडे सीरीज में आराम दिया गया है, जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली समेत तमाम खिलाड़ी शामिल हैं। शिखर धवन टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। पिच की बात करें, ग्राउंड की बात करें, तो मुकाबला क्वींस पार्क ओवल में खेला जाएगा। भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे यह मुकाबला शुरू होगा। पिच की रिपोर्ट अगर आपको दें तो क्वींस पार्क ओवल बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए फायदेमंद नजर आता है। आपको बता दें कि अगर बल्लेबाज पिच पर समय बिताते हैं तो लंबे शॉट्स और साथ ही बड़ी पारी खेलने में कामयाब हो पाते हैं। इसके अलावा दोनों कप्तान चाहेंगे कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया जाए और रन चेज की तरफ रुख किया जाए। बात करें अगर संभावित प्लेइंग 11 की, तो वेस्टइंडीज की टीम के लिए शाई होप, शमराह, ब्रुक्स, ब्रैंडन किंग, काइल मारस, निकोलस पूरन कप्तान, रोमन पोवेल, जेसन होल्डर, बुदाकेश, अल्जारी जोसेफ, अकील हुसैन और किम अबोल शामिल हो सकते हैं। भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो कप्तान शिखर धवन, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल शामिल हो सकते हैं। बात करें अगर खिलाड़ियों की जिन पर सभी की नजरें रहने वाली है, तो वेस्टइंडीज टीम के लिए चाई होप पर सभी की नजरें होंगी। इसके अलावा कप्तान निकोलस पूरन क्या कुछ करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। रोमन पोवेल ऑलराउंडर खेल किस तरीके का दिखाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं जेसन होल्डर की लंबे समय के बाद वापसी हो रही है, उन पर भी सभी की नजरें होंगी। और गेंदबाजी में किम पोल, अल्जारी जोसेफ पर सभी की निगाहें होंगी। भारतीय टीम के लिए कप्तान शिखर धवन का बल्ला चलना बेहद जरूरी है, उन पर सभी की निगाहें होंगी। इसके अलावा संजू सैमसन अगर प्लेइंग 11 में शामिल होते हैं तो उन पर सभी की निगाहें होंगी। दीपक हुड्डा टीम के अंदर हैं, वहीं कप्तान शिखर धवन के साथ उप कप्तान रविंद्र जडेजा पर भी बल्लेबाजी गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी में टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज और साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा पर सभी की नजरें होंगी। आपको बता दें कि मुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे क्वींस ओवल पार्क में खेला जाएगा। भारतीय टीम इस मैच के साथ वेस्टइंडीज दौरे का आगाज करेगी। भारत के नजरिए से देखें तो यह मुकाबला साथ ही यह सीरीज भारतीय टीम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगले साल भारतीय टीम को वनडे वर्ल्ड कप खेलना है। इसी के साथ भारतीय टीम इस वक्त ODI रैंकिंग में भी नंबर 3 पर बनी हुई है, और ऐसे में अगर वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम क्लीन स्वीप यानी कि 3-0 से जीतने में कामयाब होती है तो ODI रैंकिंग में भारतीय टीम खुद को मजबूत करेगी। इसके अलावा वनडे सीरीज और साथ ही भारतीय टीम अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की भी तैयारी को मजबूत कर लेगी। आपकी क्या कुछ राय है इस मुकाबले को लेकर, आप कितना एक्साइटेड हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वन इंडिया। नमस्कार।